देखो गाइस मेरा पापा पड़ताल रहे, एक तो पापा पड़ताल भी दिए हैं, हो भी गया बंद भी कर दिए गैस क्या आप खत्म होने के बाद आई भाई हाँ एक निकालो बोलते अब भाई एक निकालो बोलते तेल में डाल के हाँ चलो कर लगा बंद हुआ बाहर बंद हुआ फास्ट उधर करे तुमने उधर घुमाए हाँ इधर बीच में करो चावल के पकड़ ये चावल के पकड़ेगा ये चावल के तेल ठंडा भी होगा लगे जल्दी नहीं क्या देखो इतने सारे पकड़ तल के निकाले मेरे अब्बा ने हर तल दिखता अब्बा तुम्हारे चने की रेसिपी दो जो तुम चने बनाते ना यहाँ पे देखो चने बटाने क्या क्या सब भीग रहे मटकी वटकी ये कल अब्बा बनाएंगे और अब्बा के हाथ की रेसिपी मिलेगी आप लोगों को मेरा अब्बा भी बहुत अच्छे कुकिंग करते हैं क्या भजिया भी बहुत अच्छे बनाते मेरा अब्बा अब्बा भजिया जिलेबी की आटे थी बना तो मेरे अब्बा की ना बहुत बड़ी होटल थी क्या बोलते जिलेबी भजे की वहाँ पर कारंजे पे जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगी कारंजे पे हमारी कहाँ पे होटल थी इंशाल्लाह मैं जाके बताऊंगी किधर थी बोल के चलो सब खड़े इधर पप्पड़ों के लिए यार छुप गया तो अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे आप सब लोग भी बॉस हैं तो ये मैं भर रही हूँ इनके लिए थोड़ा सा टिफिन इसमें जा रही है टिफिन में बिरयानी ज्यादा नहीं बोल रही कहाँ गई थोड़ी सी चाहिए बोल लेकिन फिर मैंने हाँ चम्मच भी चाहिए बोलते हैं इनको कौन सा देंगे चम्मच बहुत ये तो डब बहुत सती सावित्री बन रही है टिफिन देंगे सती सावित्री बन रही है अरे वो नहीं वो काम कर पाया क्या बता रहा था कौन सा बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ ये बोल रहा हूँ इसमें तो बोल रहा हूँ इसमें शहबाज लेके आता रहे काम डब्बा ये निकले क्या ना सुनो नहीं तो चाय भी आ गई इनकी कब से जाके बैठे उनको बोली मैंने जाने का आओ चाय पी लो गरम है तो हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो मैं ग्रीन टी पीऊंगी बनाई के तूने मेरे लिए तू पी क्या तू पी मैं ग्रीन टी पीऊंगी हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं हां ये टी पी गाड़ी दी चेस करो चेस तेरा क्या बीच में आ रहा ऐसे कस कर रहे मत ना चाय मत फूटे हल्के कप है वो मैंने देखो इतनी चाय मैंने पी थी चाय मगर परिन ला के दे दिया थोड़ी सी तो पी लेते चलो इधर लो टिफिन तुम्हारे लिए बैग लो तो बैग ये देखो इनका बैग इधर डाल रहे उसमें के बाद में डालेंगे उधर ना हाँ डाल दूँ मोबाइल लेके बैठे आखिरी चाय हमारी साथ में इसके बाद मौका मिले या ना मिले इनके मतलब इनके दिल में कुछ तो भी काला है इन्होंने जो बोले ना आखिरी चाय बाद में इसके बाद मौका मिले या ना मिले अरे यहाँ पे तो कुछ तो भी काला है यहाँ का बोलो
आप कैसे बात को बदल दिए, फटाक से उनको मालूम है कैसा बात को घुमा फिरा के प्रोनाउंस करने का, कैसा बदलने का बात को, है कि नहीं? तुमने बोल दिया ना, आप बोल दिया ना, है कि नहीं अलीशा? सही बोले ना, सिंपल आएगा अलीशा बना रही है इधर का। अरे घुमा ले बस, मोबाइल लेके ऐसे मेरी चांद पी लेती इतना 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 ख्याल। हाँ तो मतलब ही औरत है ये, भड़काओ मत, भड़काओ मत मेरे भाभी लोग को, समझे ना? भड़का रहा क्या? सही तो बोल रहा है। ये देखो गाइस कैसा भड़का रहे, देखो ऐसा अंगार लगाने वाला इंसान है ये, अंगार लगाने वाला। ये इंसान को बोलते अब सही बोलना, देखो कैसा कर रहे हैं। उसने मेरे लिए चाय दी, मेरे को थोड़ी सी अभी ग्रीन टी ला के दी, बोलते मत कर मतलब ही औरत है, भड़काओ इंसान, भड़काओ मतलब जलू इंसान, जलू जलन होती जलन, अरे जलते तुम, अरे जलते तुम, अरे जलते तुम, मेरी सेवा करते बोल के मेरे भाभी लोग, सेवा मेरे को प्यार करते, मेरी सेवा करते, डरते हम लोग एक दूसरे में मिलजुल के रहते, डरते हैं अलीशा? नहीं, ए कोई डरती, प्यार करते ना? लेकिन फिर कैसे डरा रही है, डरते डरते कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, डरते क्या अलीशा, डरते परिमा ऐसे बोले, सही है, आना अलीशा तू भी आना, चलो मैं थोड़ी सी ग्रीन टी पी लेती, आप चाय पिए और ग्रीन टी, ऐसा कौन पीता, फिर बाद में 7 बजे गाड़ी ना, आधा घंटा है ना अभी, क्या 15 मिनट, चलो गाड़ी लेती थोड़ा देर में बस ना। अरे तुम लोग आओ फिर थोड़ी देर के बाद, भाई आओ थोड़ी देर के बाद, तुम लोग आओ फिर फटाफट। आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा होगा, अपना अच्छी करता है ऐसा, और ये रहा हमारे जीजू का बैग, और ये जा रहे मुंबई, अभी ये गाड़ी चल 5 मिनट में निकलने वाले मुंबई, एक घड़ी में बज रहे 7:45 का, मैं 7 बजे बोलते हैं, 7 बजे आ जाती लेकिन बस, हाँ चले जाओ तुम लोग, 7:05 का मैं, और भाई का टाइम लगे हैं, तुम लोग टाइम लगे ना वहाँ पे जाने के लिए, थोड़ा 5 मिनट तो लगे, 10 मिनट तो लगे ना वहाँ जाने, एक तारीख को निकलेंगे, उससे पहले आना पड़ा तो आना पड़ेगा, फिर मैं फोन करूंगा, ठीक है चलो गंदो, वैसे भी छुट्टी है ना फिर गणपति की, वालेकुम सलाम, छुट्टी है ना, रोने के इसमें मैं रो रही, जाने का पापा सर, रोने का क्या, जाने का, अरे रो रही वहां से आने के बाद भी रो रही थी, अब जाने के बाद भी रो रही, जाने का अलमा आप सब लोग उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे, आप सब लोगों की दुआओं से। तो कल रात को जो है व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, इसके लिए मैं अभी जो है व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं और सना बैठे टेरिस पे, है सना बैठी नहीं है, मैं बैठी हूँ, सना सो रही है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सना को भी सर्दी हो गई,
और अभी देखो सुबह सुबह का मौसम एकदम अर्ली मॉर्निंग है, जैसे कि डेली हम बोलते हैं। मैं उठी हूँ 5:30 बजे से ही उठी हूँ मैं। इनका फ़ोन आया मेरे को 6:45 बजे के कुछ टाइम पे, ऐसा कुछ फ़ोन आया इनका कि पहुँच गए बोल के, वो भी घर पे पहुँच गए बहुत जल्दी, बस वाले ने घर पे पहुँचा दिया। तो फिर उसके बाद से तो फिर मैं उठ गई, मुँह हाथ वगैरह धोई, अभी तक मैंने मेरी ग्रीन टी नहीं ली। और आज मैं जिम जाने वाली थी लेकिन मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही, मतलब तो शायद से मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हाथ पैर में बिल्कुल ताकत नहीं है, सर्दी हो गई, बुखार लग रहा है, अंदर से बात भी करने नहीं हो रहा है। एक दिन था जब मैं यहाँ से अपने बच्चों के लिए व्लॉग में प्यार भेजती थी, एक दिन है आज कि बच्चे मेरे पास है, सना डार्लिंग मेरे पास है। इसको देखो, मैं सोई थी इसके साथ, थोड़ा यहाँ पे लेटी थी, तो रात में जो कल मैंने जो गुदड़ी बिछाई थी ये देखो कैसे गिल्ली हो गई पूरा, मतलब बारिश में भीग गई रात में। तो मैंने बोली अभी उसको हटा दी और फिर ब्लैंकेट बिछा दी यहाँ पर, और दूसरी ब्लैंकेट में ओढ़ लपेट के लेटी है। नीचे घर में बहुत मच्छर काट रहे, ऊपर जो है इतने मच्छर नहीं काटते। तो चलो जाती हूँ मैं, अपना सुबह का जो रूटीन है वो इतने दिन से फॉलो नहीं कर रही थी। 2-3 दिन से एक बॉयल करने रखती हूँ, अपनी ग्रीन टी बना के ऊपर लेकर आती हूँ, और उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे हम पूरा दिन व्लॉग, देखेंगे क्या व्लॉग बनेगा क्या नहीं, जो भी रहेगा आप लोग शेयर करेंगे इंशाल्लाह।